रहीम, ये बोन हमारे पास है फीमर ऑफ द डॉग। सबसे पहले इसकी हम साइड डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्मूथ सरफेस है ये क्रेनियली प्रेजेंट होती है, क्रेनियल साइड है, और ये जो रफ सरफेस है ये कॉडल सरफेस, दैट इज जिस साइड पे ये हेड निकला हुआ है ये है मीडियल सरफेस, एंड जिस साइड पे ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है ये लेसर, और ये है लेटरल सरफेस। सबसे पहले हम हेड पढ़ लेते हैं। हेड के सबसे ऊपर ये वाली सरफेस, इसको कहते हैं हेड। हेड के बिल्कुल अंदर ये फोविया, कैपिचुलर फोविया फिमोरियस, इसको कहते हैं, सही ना सर? इसके बाद ये ऊपर वाली जो ज़्यादा है इसको कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, एंड बिल्कुल ग्रेटर ट्रोकेंटर के नीचे इसको कहते हैं थर्ड ट्रोकेंटर। यहाँ पे एक फोसा बन रहा है, फोसा, इस फोसे को हम कहते हैं ट्रोकेंटेरिक फोसा, और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ ये क्रस्ट बन रही है, इस क्रस्ट को हम कहते हैं इंटर ट्रोकेंटर ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट। ये है नेक, और ये हमारे पास बॉडी है। बॉडी पे दो हमारे पास लिप लाइन जा रही हैं, एक है मीडियल लिप और सेकेंड है लेटरल लिप। हेड वाली साइड मीडियल है तो ये मीडियल लिप और ये लेटरल लिप। कॉडली प्रेजेंट ये स्मूथ सरफेस, इस एरिया को हम कहते हैं पेपलीटियल सरफेस, पॉपलीटियल सरफेस। हमारे पास ये नीचे वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं कॉन्डाइल। कॉन्डाइल में बिल्कुल हेड के नीचे प्रेजेंट कॉन्डाइल को हम कहते हैं मीडियल कॉन्डाइल और ये लेटरल कॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल। इसके ऊपर ही दो टिब्रोस्टी होती हैं, एक है सुप्रा कॉन्डाइल, मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर ट्यूब्रोस्टी और लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर ट्यूब्रोस्टी। इन दोनों कॉन्डाइल के दरमियान एक फोसा बन रहा है जिसे हम कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा, इंटरकॉन्डाइलर फोसा, और बिल्कुल बैक साइड पे ये स्मूथ सरफेस। इस पूरे एरिया को कहते हैं पेटीलर सरफेस, और यहाँ पे ये बना रहा है ट्रोक्लिया, और इसके दो रिजिज हैं, रिज, एक मीडियल रिज और दूसरा लेटरल रिज। ये थी हमारे पास फीमर, और बस